हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं ARV अनबॉक्सिंग। तो यहाँ दो डब्बे हैं यामाहा के, इसे खोलें इसे खोलें। चलो इसे खोलते हैं, पहले इसे रखते हैं साइड में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यामाहा का जेनुइन डब्बा है और ये इसका टैग है जिसकी MRP है 3906 और इसके अंदर है सिलेंडर पिस्टन किट, यानी कि सिलेंडर किट। और ये है R15 वर्जन 3 का। तो चलिए चेक करते हैं इसके अंदर कि R15 वर्जन 3 की सिलेंडर किट कैसी होती है। तो ये आ गया हमारा नाइफ। ये है हेड की गैस्केट, इसे साइड रखेंगे। ये रिंग का डब्बा होगा, बिल्कुल ये रिंग का डब्बा है जैसा कि यहाँ मेंशन है। पिस्टन रिंग सेट स्टैंडर्ड साइज कंपनी देती है। ये पिस्टन का डब्बा होगा, यहाँ मेंशन नहीं है बट पिस्टन का ही डब्बा होगा 100%। बॉक्स को साइड करते हैं और ये है सिलेंडर यानी कि ब्लॉक, इसे खोलते हैं और चेक करते हैं। इसको भी साइड करते हैं। यामा ने काफ़ी अच्छी पैकिंग दी, इसको काटते हैं। इसे भी साइड करते हैं। तो दोस्तों, ये है R15 वर्जन 3 का ब्लॉक, काफ़ी चमक रहा है ये। जैसा कि देख रहे हैं आप, डायमंड शेड आ रही है इसमें से, चमक मार रहा है ये काफ़ी। ये टाइमिंग चेन टेंसनर यहाँ टाइट होता है, ये बोर हो गया। यामा कंपनी सिलेंडर पिस्टन रिंग सब अलग देती है, असेंबल करके नहीं देती, असेंबल मैकेनिक को खुद करना पड़ता है। बजाज की वीडियो में आपने मेरा देखा होगा कि मैंने बजाज की जो सिलेंडर किट अनबॉक्स करी है उसमें कंपनी कंप्लीट फिट देती है। पिस्टन खोल के देखते हैं। बॉक्स को साइड करते हैं। ये दोनों पिस्टन के लॉक हैं, ये है गजन पिन, इन दोनों को भी साइड में रखते हैं। आते हैं पिस्टन पे, ये पिस्टन है स्टैंडर्ड साइज का। सिर्फ पार्ट नंबर लिखा है K649 और पिस्टन किस कंपनी का है इस पे कुछ भी मेंशन नहीं है, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं। बट पार्ट नंबर मेंशन है इस पे और कंपनी के दो मार्के येलो और ब्लू मेंशन हो रखा है, इसे साइड रखते हैं। अब आते हैं रिंग पे, रिंग चेक करेंगे खोल के किस कंपनी की रिंग है इसमें। ये देखिए पैकिंग, एक पैकिंग के अंदर और एक पैकिंग। ये सील्ड है, इसे यहाँ से अनबॉक्स करते हैं। तो रिंग अनबॉक्स हो चुकी है और ये है रिंग।
रिंग पे भी कोई मार्क नहीं है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट पिस्टन ब्लॉक असेंबली R15 वर्जन 3 की, जिसमें दो लॉक, एक पिस्टन की पिन, पिस्टन ब्लॉक और रिंग। और इसके अंदर पैकिंग है, पैकिंग भी चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी पैकिंग है। गैस्केट, दो गैस्केट हैं इसके अंदर, एक हेड की गैस्केट है और दूसरी सिलेंडर की गैस्केट है। तो इसे भी साइड करते हैं। अब आते हैं इसकी एमआरपी पे दोबारा से एक बार कि इसकी क्या एमआरपी है। इसकी एमआरपी है 3906। तो गाड़ी के हिसाब से ज़्यादा महंगी नहीं है, जिस हिसाब से गाड़ी की कीमत है R15 वर्जन 3। अब इसे साइड करते हैं और आते हैं हमारे दूसरे बॉक्स पे। ये भी यामा का है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। क्रैंक शाफ्ट असेंबली, जिसकी एमआरपी है 7395, 7395। तो खोलते हैं इसे और देखते हैं कि R15 वर्जन 3 की क्रैंक असेंबली कैसी है। तो ये अनबॉक्स कर लिया हमने। अब ये भी सील्ड है यामा की अपनी पैकिंग में, इसे फाड़ के देखते हैं। दोस्तों ऐसी होती है R15 वर्जन 3 की क्रैंक की असेंबली। ये कनेक्टिंग रॉड है, ये फ्लाई व्हील हो गए हमारे, एक मैन बैरिंग कंपनी फिट देती है, दूसरा मैन बैरिंग अलग से परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पे NRB की पिन है, इसमें मेंशन हो रखा है कनेक्टिंग रॉड पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं NRB दिख रहा होगा आपको। NRB एक ब्रांड है बैरिंग में, जितने भी मैकेनिक लोग हैं वो जानते होंगे कि NRB बहुत बड़ी कंपनी है। और मैन बैरिंग इसके अंदर SKF का दिया हुआ है, ये देखिए SKF दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेंशन है SKF। और क्वालिटी की बोलते हैं तो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी। यामा वैसे भी क्वालिटी के अंदर नंबर वन आता है। यामा की गाड़ियों के अंदर जो कंपनी फिटेड पार्ट्स होते हैं उनमें आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई, इसीलिए तो यामा यामा है। चलिए तो आज आपने देखा R15 वर्जन 3 की क्रैंक और सिलेंडर ब्लॉक पिस्टन असेंबली की अनबॉक्सिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी और नई अनबॉक्सिंग के साथ। अगर आपको किसी भी पार्ट्स पर अनबॉक्सिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको अगली वीडियो में उस पार्ट्स की अनबॉक्सिंग दूंगा। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।